लेकिन सद्गुरु हम किसको कहते हैं? जो सत्य का अन्वेषक है, जो सत्य का बोध प्राप्त है, और जो मित्रवत, जस्ट लाइक अ फ्रेंड, अ बोसम फ्रेंड, एक मित्र की न्यायी इस आए हुए खोजी को अपने साथ में रखता है, अपना सानिध्य देता है, उसको मार्गदर्शन देता है और उसके साथ अपने मन को मिलाता है, उसको उस चेले, देखिए जिसको हमने सद्गुरु कहा वो वही है जिसके लिए सिर्फ परमात्मा ही सत्य है और संसार विनाशी और परिवर्तनशील। तो जो परिवर्तनशील जगत से मन को हटा चुका है उसको क्या चेले के पैसे से मतलब होगा? चेले के चढ़ावे से मतलब होगा? चेले की जय जयकार से मतलब होगा? जिसको है समझना अभी, ये गुरु है, गुरु घंटाल है कोई जो तुझे मूर्ख बना रहा है। कभी कभी थोड़ा पढ़ना लिखना अच्छी बात होती है। हमारे भारत के सुंदर साहित्य दर्शन में एक अत्यंत सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु गीता। गुरु गीता का एक संवाद जो है वो शिव और पार्वती के मध्य में कराया गया है और किस जिस ऋषि ने भी इसको लिखा उन्होंने इस बात को बहुत खूबसूरती से प्रकट किया है कि गुरु कौन होता है, सद्गुरु कौन होता है। और उसमें एक बात विशेष जो समझाई वो ये है कि जिसकी अभी अपनी आसक्ति नहीं टूटी है वो तुझको कैसे मुक्त कराएगा? जो स्वयं अभी मान सम्मान या किसी शक्ति की चाह में ललाहित है वो तुमको निर्वासनिक नहीं बना सकेगा। और ऐसे गुरु को उन्होंने निषिद्ध कहा और ऐसे निषिद्ध गुरुओं का संग ना करने का भी आदेश दिया। तो ये एक विषय ऐसा है जिसमें मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप समझ सकें। साहिब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, अवधु युक्ति बिचारे सोई जोगी, हंसा होए नाम रस पीवे कदे ना होवे रोगी। ये है पहचान सदगुरु की, ये है पहचान। वो स्वयं नाम रस पीता है और वो ऐसी युक्ति की विचार करनी जानता है जिससे देह और इंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार से विलक्षण अलग चैतन्य सत्ता को जान, जो चैतन्य सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाता है। दैट हु हैज नोन व्हाट द रियल सेल्फ इज एंड द वन हु इज मिस्टिफाइड इन दिस इनर ग्लोरी इज कॉल्ड अवधू, इज कॉल्ड सद्गुरु। दैट person who has tasted this nectar and now has that compassion in the heart to share it with those who are looking for it is called a sadguru. Uske hriday mein karuna hai. Aap kahoge ke kisi ne khoja paya prapt kar liya ab usko mast rehna chahiye, apne andar rehna chahiye. Nahi 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 pyare, ye baat badi ajab hai, ye baat badi gajab hai. आपको थोड़ा याद करा दूं, एक साइंटिस्ट खोज कर रहा था, शोध कर रहा था और टब में नहा रहा था और टब में नहाते 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 उसको वो फॉर्मूला सूझ गया जिसकी वो खोज कर रहा था। और ऐसा खुशी में वो पागल हुआ, कहते बाथरूम में से नंगा ही नाचता हुआ गली में आ गया और यूरेका 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 चिल्लाता हुआ। और बाद में लोगों ने उसको, अरे भाई नंगा आया है तू? बोले किसको फिक्र पड़ी है, नंगा आया जो मुझे मिला उसको पूछ, तुझे मालूम नहीं मुझे आज क्या मिला है। एक वैज्ञानिक को एक छोटा सा फॉर्मूला मिलता है तो देह की सुदबुद वो भूल जाता है और दूसरों को बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है उस खोज को, उस इन्वेंशन को सबके साथ शेयर करना चाहता है। और जिसने अपने मन के अंतर बैठे उस अनंत चैतन्य को जान लिया, क्या वो फिर चुप करके बैठ सकता है? बहुत मुश्किल है। दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में जब अंतर या आनंद मिलता है तो गहन गहर समाधि में लीन हो जाता है, तब वो देह से मन से ही पार चला गया। अब कौन किसको कहे और कौन किसको समझाए और कौन जब दूसरा कोई बचा ही नहीं। साहब बोलते हैं
कबीरा तू तू करता तू बया मुझ में रहा न हूँ आपा पर का मिट गया जित देखा तित तू 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 करता तू भया मुझ में रहना हूँ आपा पर का मिट गया जित देखा तित तू तू ये एक स्थिति है जिसको खोजते थे मिल गया और अब जिसको ढूंढते थे वही मैं हो गया मैं तू हो गया तू मैं हो गया ये तू मैं कहने वाला कोई बचा ही नहीं है तो गहन मौन में गहन शून्य में समा गया। फिर मन बाहर तो आएगा और जब ये मन बाहर आएगा जैसे बादल में जब जल के बिंदु बहुत घने हो जाते हैं तब बादल को बरसना ही पड़ता है बादल रुक नहीं सकता। फिर ऐसे ही जैसे स्त्री 9 मास 9.5 मास का गर्भ हो गया अब तो गर्भ को बाहर आना ही पड़ेगा। अब कब तक रहेगा अंदर निकल देगा ही बाहर आएगा ही आएगा। ऐसे ही जिसके अंतर ये समाधि ये ज्ञान ये प्रज्ञा घनीभूत हो गई पहले तो वो अपने आप में गया खो गया अपने आप में खो गया या कहो अपने आप को उसने पा लिया लेकिन फिर एक अवस्था ये आएगी जब इस बादल को बरसना ही होगा। और ये हमारा धन्य भाग है कि कबीर जैसे बादल फिर बरसते हैं और खूब बरसते हैं कि आज 600 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी दी हुई अमृत वर्षा का स्नान करके हम कृत्य कृत्य हो रहे हैं हम धन्य धन्य हो रहे हैं हम आनंदित हो रहे हैं। ये बादल है ना कबीर जो बरस रहा है बरसे बगैर कैसे रह सकता है। ये जल बिंदुओं का सघनीभूत स्वरूप है ये बरसेगा ही बरसेगा। और जब बरसता है तो फिर ये अपने साथ बहा के ले जाता है उन सभी मन के अंदर का अंधकार उस मन के अंदर का सब अज्ञान और पीछे बचता है बस रंग ही रंग मस्ती ही मस्ती मदहोशी ही मदहोशी अलमस्त फकीरी ही फकीरी फिर पीछे बचती। इस साहिब के ये उस हृदय के दिल का प्यार है ये उसकी करुणा होती है इसलिए सदगुरु कभी किसी पर एहसान नहीं करता है। सदगुरु सिर्फ बरसता है और सच कहूँ तो सदगुरु बरसता है तो जिस भूमि पर बरसता है उस भूमि के लिए भी उसके हृदय में आह्लाद होता है कि इस भूमि ने मुझे बरसने का अवसर दिया है। जो मिला हो कुछ तो बोले बगैर रह नहीं सकता है। पर यह भी बात सच है जो बात कहने को है उस बात में रुचि कितनों को है इस सत्य में रुचि कितनों को है कितने लोग खोजना चाहते हैं इसको। क्योंकि सच तो यह है आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर को कहना पड़ा था राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल नहीं पटन नहीं पारखू नहीं ग्राहक नहीं मोल। मेरे इस राम पदार्थ को लेने वाला कोई ग्राहक मुझे दिखता नहीं जो इसका योग्य मूल्य भी दे सके ना ग्राहक है कोई ना लेने वाला ना इसका मोल चुकाने वाला। तो जो तुझे मिला है ना बस इसको अपने अंदर समेट के रख। पर फिर सच ये भी है कि इस बात को कहने के बावजूद भी कबीर अपने जीवन के पूर्ण 120 वर्षों में
निरंतर बोलते रहे हैं, बरसते रहे हैं। कितने ही प्यासे मनु को उन्होंने रंग दिया कि जो आया उनके पास अपनी मैली मन की चुनर लेके, जिसमें संसार के मोह के, वासना के, घृणा के, लालच के दाग लगे पड़े थे, उन सब दागों से मैले मन की चुनरी को लेकर जो जो आए साहब के पास, साहब ने सबके मन को धोया, ज्ञान के साबुन को लगाया, निर्मल ध्यान के जल से उसको स्वच्छ किया और फिर रंग दिया। ऐसा ऐसा रंगा कि फिर ये कहना मुश्किल हो गया कि कौन है असल रंगरेज, वो जिसने रंगा अपने जादू से, या वो जो रंगे जाने के बाद ठीक वैसा ही हो गया जैसा साहिब खुद है। पुकार हो, चाह हो, खोज हो, तो सब कुछ मिलता है। आप अपने मन की चुनरी को देखिए, क्या ये गंदी है, क्या ये मैली है, क्या इसको उज्जवल करने की जरूरत है, क्या इसको धोने की जरूरत है, क्या इसको राम रंग में रंगने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो फिर देर ना कीजिए। कल जो बात मैंने आप सबके बीच में साझी की थी, बोली मैंने, नौ द्वार कैसे बंद करने हैं सो बात बोली मैंने, लेकिन अब अगली बात भी जरूर कहना चाहती हूं। ए नौ द्वार बंद करके ये चांद सूरज भीतर सम करना किसको कहते हैं। अगर तुम सिर्फ यहां एंटरटेनमेंट के लिए आए थे तो आई थिंक सो आई हैव एंटरटेन्ड यू इनफ, और अगर आप कुछ खोजने आए थे तो अब फिर तुम वहां बैठना जहां हम अपनी रंगरेजी खोल के बैठे हैं। कुछ समय जब तुम मेरे साथ बिताओ, फिर कुछ हम तुमको सिखा पाए और ये अंदर के राग रंग कैसे गाए जाते हैं और कैसे मस्ती को धुना जाता है और कैसे इस मदिरा को पिया जाता है, बातें नहीं उसका प्रैक्टिकल, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। Creating that awareness was step number one, and step number two is to lead you now on the path and then see you celebrating with this inner rejoicement. साहब का ये हम आज का आखिरी ये भजन ले रहे हैं। साहब कहते हैं कि मेरी मन की चुनरी मैली हो गई थी, गंदी हो गई थी, दाग लग गए, कितने दाग लग गए, और अब इन दागों को धोकर मन की चुनरी में 16 बंध लागे पिया, ये 1600 मन के जो बंधन बांधे हैं ये लाकर मैंने गुरु के सामने रखे कि गुरुदेव मन के मेरी गांठें खोलिए, दाग को कैसे धोएं, इसकी उपकार, इसका प्यार और ये इकरार हम अब आपसे चाहते हैं। प्रेम से इसको सुनिए। मोरी चुनरी पे, मोरी चुनरी पे, मोरी चुनरी पे लग गयो दाग पिया, दाग पिया, दाग पिया, दाग पिया, दाग पिया।
की बनी चुनरिया, पांच तत्व की बनी चुनरिया, सोर से बंद लागे पिया, सोर से बंद, सोर से बंद लागे पिया, 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 दाग पिया, दाग पिया, दाग पिया, दाग पिया, मोरी चुनरी पे, मोरी चुनरी पे, मोरी चुनरी पे लग गया दाग पिया, मोरी चुनरी ससुरे में मनवा खोए दिया, 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 दाग पिया, दाग पिया, दाग पिया, दाग पिया, तब छूटी है जब साहब अपनाए लिया, जब साहब अपनाए लिया, जब साहब अपनाए लिया, जब साहब अपनाए लिया, दाग पिया, दाग पिया, दाग पिया, मोरी चुनरी पे लग गयो दाग पिया।
रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी स्याही रंग छुड़ाई के दियो मजीठा रंग धोए से छूटे नहीं दिन दिन होत सुरंग बाव के कुंड नेह के जल में प्रेम रंग दैबो चस्की चास लगाई केरे खूब रंगी जक झो सतगुर ने चुनरी रंगी रे सतगुर चतुर सुजान सब कुछ उन पर वार दूं तन मन धन और प्राण ते कवि रंगरेज गुरु है मुझ पर हुए दयाल शीतल चुनरी इतना आनंद इतनी मस्ती जिसको मिली है उसके हृदय से कोई पूछे उसके हृदय से कोई पूछे कि क्या मिला है। ये सौदे प्रेम के हैं, ये सौदे मोहब्बत के हैं, ये सौदे खोज के हैं। जो खोजते हैं सो पाते हैं, जो पाते हैं वो मस्त होते हैं, और जो मस्त होते हैं उन्हीं को संत कहते हैं प्यारे, उसी को फकीर बोलते हैं। तो जिंदगी में कुछ कुछ इस फकीरी का लुत्फ भी लेना चाहिए, इस मज़े को, इस आनंद को, इस चस्के को, साहब ने बोला इस चस्के का चस्का भी लगना चाहिए, क्योंकि ये वो चस्का है जो दुनिया के तमाम बाकी सब चस्कों को फारिग कर देगा, तेरे से मुक्त कर देगा, तेरे से अलग कर देगा। कबीर के अद्भुत बोल और वचन मन के पटल पर सदैव ही गूंजते ही रहेंगे, और उससे ज्यादा घनी गूंज है उनके उस शून्य की, क्योंकि जब यहां कोई नहीं बैठा था तब भी शून्य था, और जब यहां इतना कुछ बोला गया, गाया गया, बजाया गया शून्य, तब भी पूरा बरकरार था, और जब ये सब शरीर यहां से उठ के बाहर चले जाएंगे शून्य तब भी यहीं पे गूंजता रहेगा। और एक ऐसा ही शून्य तुम्हारे मन के अंतर भी गूंज रहा है, उस शून्य को पकड़िए, उसको पकड़िए। इतना ही कहते हुए मैं वाणी को विश्राम देती हूँ, और 3 दिन से चल रही इस कबीर की सुंदर यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि यात्रा इसीलिए यात्रा है क्योंकि ये चलती रहती है। बस फर्क ये है जगह कुछ और हो जाएगी, मेरे श्रोता कुछ और हो जाएंगे, पर यह मस्ती वही रहेगी, ये आवाज़ वही रहेगी, और ये श्रृंखला फिर भी आगे भी और भी चलती ही रहेगी। लेकिन फिर भी इस श्री फोर्ट के प्रांगण में 3 दिन आपके साथ जो बिताए, और फिर से एक बार कबीर के साथ परिचय साझा किया, फिर से उनको गुना याद किया, गाया बजाया,
उनकी उस सुगंध को महसूस करने की चेष्टा करी, उनकी उलटबांसियों में से सीधे अर्थ लेने की कोशिश करी, उनके दिए हुए ज्वलंत प्रश्नों में से कुछ दिल को ढारस देने वाला आनंद भी खोज लिया। ये अत्यंत आनंददायी और संतोषजनक चर्चा रही। मेरा हृदय गदगद है, अत्यंत आह्लाद से पूर्ण है, और उसी आह्लाद के साथ आप सबको नमन करती हूँ, और ये श्रृंखला यहीं पूर्ण होती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं कृपा हरी।